बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। बारिश होते ही खाद पर टूटे किसान, बिस्कुमान में लगा लंबा कतार। जहानाबाद जिले में लंबे इंतजार के बाद हल्की बारिश होते ही किसान खाद पर टूट पड़े हैं। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर जहानाबाद स्थित बिस्कुमान कृषक सेवा केंद्र की है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान खाद के लिए कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि धान के लिए यूरिया एवं अन्य खाद अति आवश्यक हो गया है, इसलिए हम लोग खाद के लिए सुबह 9 बजे से ही बिस्कुमान कृषक सेवा केंद्र में आए हुए हैं। बिस्कुमान कृषक सेवा केंद्र के सेल्समैन सुनील कुमार ने कहा कि खाद जहानाबाद में पर्याप्त मात्रा में है, किसानों को अफरा तफरी करने का कोई जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। जबकि किसानों का कहना था कि एक ही काउंटर होने के कारण परेशानी हो रही है, अगर काउंटर की संख्या बढ़ा दी जाए तो किसानों को परेशानी कम होगा। आपको बताते चलें कि लंबे इंतजार के बाद जहानाबाद में बारिश हुई है। जिन लोगों ने अपना धान रोपनी कर लिया है, उन लोगों को धान में खाद देना अति आवश्यक हो गया है। वैसे में खाद के लिए किसानों को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जो लोग अब तक धान नहीं रोपे हैं वो और बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका धान का रोपण हो सके। किस बात को लेकर यहाँ पे भीड़ लगी है? वो खाद पर्याप्त मात्रा में है, बारिश अभी हुआ है, इसीलिए किसान ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं और किसान टोटो के किसान पत्थर के लिए घुस रहे हैं। ज़्यादा कौन सी खाद की बिक्री हो रही है? ज़्यादा खाद की बिक्री DAP या यूरिया का खाद यहाँ पे उपलब्ध है। खाद पूरा उपलब्ध है, खाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक आधार कार्ड पे कितना खेत मिल रहा है? 3 यूरिया मिल रहा है और 2 DAP 2 मिक्सर मिल रहा है। सर, सभी तरह के खाद यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, सभी तरह के खाद उपलब्ध हैं। DAP यूरिया मिक्सर जिंक जाइम सल्फर सब कुछ। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार नाम। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, MTS सेल्समैन का मैं MTS। किस बात को लेकर के यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं? खाद लेने के लिए 9 बजे से आए हुए हैं, भूखे प्यासे। अभी कहाँ आया हुआ है, 1 बज गया। खाद मिल रहा है? खाद मिल रहा है। सब किसान को खाद मिल रहा ना? खाद नहीं मिल रहा? ना, खाद मिल रहा है। भीड़ ज़्यादा है? यही है कि लाइन में लगा हुआ है, जो आ रहा है सो लेके जा रहा है, लाइन वाला खड़ा है, मानते नहीं है। मानता ही नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं उलासन से। 10 बजे से आए हैं, 10 बजे में अभी तक लास्ट 100 के पीछे नंबर में है। एक आदमी के देने में 20 मिनट टाइम लग रहा है, एक आदमी के देने में। उसके बाद 20 मिनट के बाद भी है, मांगते किसी को CC नहीं लेना बोतल, मगर बोतल लेना तभी है जो यूरिया मिलेगा या DAP। इसलिए कि ज़्यादा ला रहे, देर होगा तब भले करेंगे। मेरा नाम हुआ मुन्नी लाल जन नगमा। कितने बजे से आए हुए हैं? 10 बजे आए हैं। 2 बाप बेटा लगल हैं, आज चला है उधर लगल हैं। उसमें खाद सबको मिल रहा ना? खाद तो मिल ही रहा है, मगर मेरा कहना है कि 5 मिनट होना चाहिए, तो आधा घंटा 20 मिनट लग रहा। कैद में क्या मिलेगा बोलिए, उसमें कैद में क्या मिलता है? महिला अधिकारी से अनुरोध है कि किसान की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखा जाए कि कितना परेशानी हो रहा है। अभी से लेके वर्तमान से लेके आगे और परेशानी होगा, इसलिए हर चीज़ को ध्यान देते हुए एक और काउंटर रहे, तो 1 से 2 काउंटर और अधिक रहे, तो ताकि सुविधा हो और सब लोग को सामान्य रूप से खाद का जो है वितरण हो, जिसे मिल सके और सुविधा के अनुसार काम कर सके हर लोग। खाद लेने के लिए लाइन में हूँ, 9 बजे से लगन है, लेकिन हमको अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे एक ही काउंटर है खाद बांटने वाला। यहाँ पे कम से कम 3 आदमी चाहिए खाद बांटने वाला, एक आदमी है और तरह तरह के इसमें दिया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है 265 रुपया यूरिया खाद का, जिसमें 520 रुपया लिया जा रहा है एक आदमी से, 240 रुपया किसी तरह से करके एगो लिक्विड दिया जा रहा है, वो लिक्विड का जरूरत नहीं है, उसको भी जबरदस्ती दिया जा रहा है। हमको DM साहब से ही अनुरोध है कि किसान को सही दाम पर सही चीज़ दें,
और हम लोग इतना वजह से इतना मेहनत से धान रोपे हैं, अगर खाद नहीं देंगे तो फिर तो धान वही ना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मांग हम यही करना चाहते हैं डीएम साहब से कि हमको एक काउंटर और बढ़ाएं, एक आदमी यहाँ एक काउंटर पर खाद बट रहा है, एक स्टाफ और दें, दो काउंटर होगा, जल्दी से पब्लिक का भीड़ खत्म हो जाएगा, किसानों का भीड़ खत्म हो जाएगा।